तो कल मैंने अपनी कार को पॉलिश कर लिया था, कल रात हो गई थी तो मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, तो अब ये सुबह हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ पॉलिश करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो शाइन, जो कि आप इसके बोनट पर देख सकते हैं। दूसरा, ये जो पॉलिश है ये है हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये पानी रुकने नहीं देगी। और तीसरा, इसमें डस्ट पेंट अब स्मूथ हो गया तो डस्ट एकदम आराम से हट जाएगी, जैसे कि मैं ऐसे कपड़ा मारूंगा और ये सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी बहुत आराम से, कोई मेहनत करनी नहीं। ये कुछ इस टाइप सारी डस्ट हट जाएगी। तो मैंने अपनी कार की डस्टिंग कर ली है प्रॉपर से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से, तो ये रही पॉलिश की शाइन जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ये रही लेफ्ट साइड। ये रहा रियर। बताइएगा आपको इसकी शाइन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। हेलो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं अपनी होंडा अमेज की डिटेलिंग करने वाला हूँ, तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगा कि ऐसे आप अपनी कार को घर पे डिटेल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मैं आज मेन प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है ये वैक्सपॉल का सिल्की टच। और भी थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो कार डिटेलिंग में फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कार को वॉश करने का। मेरी कार आज सुबह ही सुबह वॉश हुई, तब मैं उसको फिर से वॉश करके वाटर नहीं वेस्ट करने वाला हूँ। मैं अब सिंपली यूज़ करूँगा एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिससे मैं अपनी पूरी कार को वाइप कर दूँगा। इसमें सिर्फ डस्ट है, वो डस्ट को मैं इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हटा दूँगा। तो स्टेप वन रहने वाला है डस्टिंग या क्लीनिंग। अगर आपकी कार बहुत ज़्यादा डर्टी है तो आप उसको वॉश कर लीजिए। मेरी कार ज़्यादा डर्टी नहीं है, वो सुबह ही सुबह वॉश हुई, तो मैं इसको सिर्फ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सारी डस्ट हटा लूँगा। तो मैंने अब अपनी कार को अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से डस्ट कर लिया है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँ कि आप हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ करें, क्योंकि ये स्क्रैचेस नहीं डालता है पेंट में। नॉर्मल क्लॉथ क्या करता है, वो डस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो डस्ट को ही रगड़ता है जिससे कि आपका पेंट डैमेज होता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ में ऐसा नहीं होता, माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्क्रैचेस नहीं आते हैं। तो अब मैं स्क्रैच रिमूविंग करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये वैक्सपॉल का स्क्रैच रिमूवर। तो आइए देखते हैं ये स्क्रैचेस कितने अच्छे से हटाता है। तो अब मैं स्क्रैचेस रिमूव करना, आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कार में कैसे। मेरी कार में बहुत माइनर से स्क्रैचेस, जैसे कि आप देख सकते कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा, तो ऐसे स्क्रैचेस मेरी कार में खूब सारे आ गए हैं। तो उन सबको रिमूव करने के लिए मैं स्क्रैच रिमूवर यूज़ करने लूँ। यहाँ पर आ गए हैं ORVM में आ गए। कानपुर में कार चलती तो ORVM लगता रहता है। यहाँ पे आ गए दो तीन स्क्रैचेस, तो ये सारे स्क्रैचेस रिमूव करने वाला हूँ। ये रहे स्क्रैचेस, ये देखिए ये सारे स्क्रैचेस अब मैं रिमूव करूँगा स्क्रैच रिमूवर की हेल्प से। तो ये स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए आपने सिंपली इसको लेना है और ऊपर थोड़ा सा डाल देना है, फिर अपनी फिंगर की हेल्प से जहाँ आपको स्क्रैच दिख रहे हैं वहाँ वहाँ इसको स्प्रेड कर देना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा लग गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके उसको सर्कुलर मोशन में यू चलाना है और आपका स्क्रैच गायब हो जाएगा। गायब ना हो तो कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा डीप होगा।
तो यहाँ पे देखिए मेरा स्क्रैच बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तब मैं पूरी कार में जहाँ जहाँ स्क्रैचेस है इसको यूज़ करके स्क्रैचेस रिमूव कर लेता हूँ, और फिर हम लोग बढ़ेंगे पॉलिश की तरफ। तो अब मैंने अपनी कार के सारे स्क्रैचेस को रिमूव कर लिया है, और अब मैं ये वैक्सपॉल की सिल्की टच पॉलिश को अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं भी आपको छोटे से पोर्शन में अप्लाई करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगी एक फोम जो कि मेरे पास है, दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ, एक ये है, और मेन सिल्की टच पॉलिश। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जिस भी सर्फेस को करें आप थोड़ा थोड़ा सर्फ करिए। आप ये नहीं कि पूरी कार में एक ही बार में लगा लें, आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कार को। जैसे पहले बोनट कर लिया, फिर फेंडर्स कर लिए, ऐसे करके करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पूरी कार में एक साथ ना लगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर सूख जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। तो मैंने अपनी कार को भाई कार क्लीन कर लिया, लेकिन मैं फिर भी एक बार वैक्सपॉल के मतलब माइक्रोफाइबर क्लॉथ से फिर भी क्लीन एक बार कर लूँगा, क्योंकि यहाँ डस्ट होती रहती है इंडिया में। तो अब ये एकदम रेडी है, अब मैं आपको इतने हिस्से में करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको मैं पूरी कार करूंगा। तो ये रेस मैं शेप कर लेता हूँ खूब अच्छे से, और अब मैं इतने से मैं स्प्रे कर लेता हूँ। अच्छा, और फिर ये एप्लीकेटर की हेल्प से इसको स्प्रेड कर लूँगा कुछ इस टाइप से, सर्कुलर मोशन में स्प्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है, अब इसको 1 से 2 मिनट तक ड्राई होने देना है, और फिर आप अपना दूसरा वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सब कुछ रिमूव कर लीजिए। तो वेट करते हैं 1 से 2 मिनट। तो अब मुझे ये अप्लाई करें, 1 से 2 मिनट हो गए, तो आपने चेक करना है कि सबसे पहले अपने फिंगर मार के चेक करना है कि उधर से पॉलिश अच्छे से हट रही है कि नहीं। तो अभी इधर से तो इसको और ड्राई होने देना है, तो मैं इधर करता हूँ। अभी भी ये क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने देता हूँ। तो अब मैं पॉलिश को ड्राई होने दिया, मैं इधर फिंगर मारता हूँ तो इधर अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो मतलब कि अब मैं इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर सकता हूँ। तो आइए मैं इसको करके आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो बस ऐसे ही आपने अपनी पूरी कार में पॉलिश को अप्लाई करना। बस इधर देखिए इधर कितना डिफरेंस हो गया है, पेंट भी स्मूथ हो गया है, और मैं ऐसे करके पूरी कार में इसको लगा दूंगा। तो अब मैंने अपनी कार के बोनट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ये टेप लगा के। अब मैं इस साइड में पॉलिश करूँगा और ये अनपॉलिश रहने दूंगा, ताकि आप लोगों को डिफरेंस मैं बता सकूं। तो आइए मैं ये रेड वाला हिस्सा पॉलिश कर लेता हूं, और फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं। तो अब मैंने इसकी लेफ्ट साइड को पॉलिश कर दिया और राइट साइड अनपॉलिश्ड है। तो ये जो पॉलिश है ये है वाटर रेपेलेंट, यानी कि इसमें हाइड्रोफोबिक क्वालिटीज़ हैं जो कि पानी को अपने ऊपर रुकने नहीं देगा। तो वही चीज़ हम लोग चेक करने वाले हैं। तब मैं ये टेप को रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं टेप रिमूव हो तब भी आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये पॉलिश्ड है और ये है अनपॉलिश, देखिए कितना। आप यहाँ पे देखिए
सब कुछ ठीक दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फेड हो गया है। तो ये पॉलिश्ड है, ये है अनपॉलिश्ड। अब मैं आपको ये वाटर डाल के भी दिखाता हूँ कि ये वाटर रिपेलेंट है कि नहीं। तो अब मैं ये वाटर डाल के आपको दिखाता हूँ कि ये वाटर रिपेलेंट कितना है। लेफ्ट साइड है इसकी पॉलिश्ड और राइट साइड है अनपॉलिश्ड। आपको एक लाइन भी दिख रही होगी पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड। तो मैं इधर पहले मैं इधर डालता हूँ वाटर। तो अब इधर देखिएगा वाटर का क्या बिहेवियर है। और अब मैं डालूँगा पॉलिश्ड हिस्से में। तो आप देख रहे हैं कि पानी रुक नहीं रहा है, वो नीचे उतर रहा है, ड्रॉपलेट्स बड़े बड़े से हो गए जैसे कुछ इस टाइप से। ये देखिए आप दोनों के बीच का डिफरेंस है कि इधर पानी धीरे धीरे उतर रहा है लेकिन इधर बहुत तेज उतर रहा है। फिर से ये देखिए डिफरेंस। तो ये थी वैक्सपॉल की सिल्की टच पॉलिश। वैक्सपॉल के सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। और अब मैं अपनी पूरी कार को पॉलिश कर लेता हूँ, फिर मैं आपको शाइन दिखाता हूँ कि क्या शाइन निकल के आई है। और हाँ, पॉलिश करते वक्त एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपने छोटे छोटे पार्ट्स को कवर करना है। ये नहीं कि पूरी कार में पहले पॉलिश लगा दो फिर उसको कपड़े से रगड़ रहे हैं, वो बहुत लेंदी हो जाता है। आप धीरे धीरे चलो, जैसे पहले बोनट कर लीजिए, फिर आप फेंडर कर लीजिए, फिर फ्रंट बम्पर, फिर रूफ, और फिर लेफ्ट का पूरा हिस्सा, या फ्रंट डोर्स कर लिए पहले। ऐसे करके हिस्सों में करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं पूरी कार को पॉलिश करता हूँ, फिर आपको इसका आफ्टर इफेक्ट दिखाता हूँ कि क्या है वैक्सपॉल सिल्की टच का आफ्टर इफेक्ट।